सर्विलांस टीम ने अंतर जनपदीय चोर गैंग के सक्रिय सदस्यों को किया गिरफ्तार। आसपास के जनपदों में कई चोर की घटनाओं को दे चुके थे अंजाम। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जनपद मैनपुरी के थाना करहन क्षेत्र में बीते 8 सितंबर 2021 को मनोज कुमार पुत्र बलवीर सिंह नगला प्रेमी थाना करहल में रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा कमरे का ताला तोड़कर कमरे में रखी अलमारी में सोने चांदी के आभूषण लगभग 82 तोला सोना और 800 ग्राम चांदी को चोरी कर लिए थे, जिसके संबंध में थाना करहल में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस सनसनीखेज घटना को पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने गंभीरता से लिया और चुनौतीपूर्ण घटना के खुलासे के लिए टीमें गठित की गई, सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हसपुरा अंडरपास से नगला प्रेमी जाने वाले रास्ते पर मीठीपुर चौकी क्षेत्र स्थान पर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उपरोक्त घटना का सफल अनावरण हुआ। वहीं पकड़े गए अभियुक्त इकरार अली पुत्र बन्या खान निवासी नकसिया थाना वैदपुरा जनपद इटावा, समरुद्दीन पुत्र जोर खान निवासी पमेरी संतोष नगर जनपद इटावा भिंड, इरफान पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी फक्कड़पुरा थाना जसवंत नगर जनपद इटावा, इदरीस पुत्र उस्मान निवासी ग्राम तिजौरा थाना बलरई जिला इटावा, श्रवण कुमार पुत्र शंभू दयाल निवासी कटरा थाना जसवंत नगर जनपद इटावा, सागर सिंह पुत्र राकेश कुमार निवासी कटरा पुख्ता थाना जसवंत नगर जिला इटावा को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरी घटना के खुलासे को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक मधुर कुमार जी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उनके बारे में। हाथ लगी है जिसमें कई चूड़ियां ऐसी थी भी नहीं थी, आज खुलासा किया गया है कितनी ऐसी चूड़ियां खुली गई हैं और जो जनपद लगे हुए हैं वहां भी चूड़ियों का खुलासा हुआ। क्या था पूरा नाम? ये प्रकरण थाना करहल का है। करहल थाने में 8 और 9 की रात्रि में 10वें महीने में एक चोरी हुई थी और इस चोरी को एक टास्क देकर इंस्पेक्टर करहल और सर्विलांस टीम को दिया गया था। इसमें कुछ सफलता किसनी में मिली थी, किसनी में दो चोर चोरी करते हुए पकड़े गए थे और उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके दो और साथी हैं जो चोरी कर रहे हैं। इस टीम को लीड सर्विलांस टीम के प्रभारी कर रहे थे। इन्होंने अपने टेक्निक से टैक्टिस से इस पूरे घटनाक्रम को खुलासा किया और पूरी टीम को जो है जो चोर थे उनको पकड़ा। इसमें जो सुनार चोरी के बाद माल खरीदते थे उनको भी पकड़ा गया और इस तरह से पूछताछ की गई तो लगभग 15 से लेकर 20 चोरियां इनके द्वारा स्वीकार की गई हैं और जो जनपद मैनपुरी के सीमावर्ती जनपद हैं कन्नौज फर्रुखाबाद इटावा इन जनपदों में भी इन लोगों ने चोरियां की हैं और मैनपुरी जनपद में भी जो रोड के किनारे के गांव हैं उनमें जाके इन्होंने चोरियां। कब से ये चोरी कर रहे थे? ये लगभग इन लोगों के द्वारा जो पूछताछ में तथ्य आया है कि लगभग यहां मैनपुरी और उसके आसपास एक वर्ष पूर्व से ये चोरी कर रहे हैं। क्या बरामद? हाँ, इनसे जो चोरी किया हुआ माल है सोने के जेवरात हैं चांदी के जेवरात हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, एक वाहन जिससे ये शाम को घूम के रैकी करते थे वो बरामद हुए। सर इनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे भी पहले से दर्ज हुए? हाँ, इनमें से ये अपराधियों के विरुद्ध जो है पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। कुछ मुकदमे अज्ञात में दर्ज थे जो इनके द्वारा स्वीकार किया गया है, माल बरामद किया गया है उसके आधार पर इनको। सर कितने लोगों का सदस्यों का गिरोह है इनका? ये 5 लोग हैं मूल रूप से और इनमें सगे भाई हैं ये लोग आपस में और इनमें कुछ उनके रिश्तेदार हैं, बहन के जो पति हैं बहनोई हैं वो भी हैं और फिर बाद में ये जहाँ चोरी करते थे वहाँ जो सोने चांदी के जेवर मिलते थे वो संबंधित सुनारों को बेचते थे उनको भी पकड़ा गया। ठीक है।